वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल। हैप्पी मकर संक्रांति। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल के लड्डू, या जिसे आप तिलकुट भी कहते हैं। आज ये रेसिपी मैं नहीं, मेरी मम्मी बना रही है और मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैं 1 kg तिल के लड्डू बना रही हूँ, जिसके लिए हमें 600 ग्राम जागरी यानी कि गुड़ चाहिए। सबसे पहले आपको तिल को ड्राई रोस्ट करना है। थोड़े थोड़े अमाउंट में तिल ले करके उसे हम कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरह का कलर जब उसका थोड़ा चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए, तब उस तरह से आपको भून के रखना है। 3-4 पार्ट में डिवाइड करके इसको भुना जा रहा है। उसके बाद कढ़ाई में करीब 1 कटोरी पानी हम डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। गुड़ मेरे पास ऐसा है 600 ग्राम का, तो मैंने इसको बड़े नाइफ से कट कर दिया है और अब हम इसको डालेंगे गरम पानी के अंदर और धीरे धीरे इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि गुड़ जो है अच्छी तरह से पानी में डिजॉल्व हो जाए और बाइंडिंग के लिए जो गुड़ का मिक्सचर है वो तैयार हो जाए तिल के लड्डू बनाने के लिए। फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है, जहाँ ज़रूरत पड़े आप हाई भी करें, मगर ध्यान रखें कि आप इसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहें, क्योंकि यहाँ मम्मी बना रही है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी मदर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता है कब कैसे किस तरह से बनाना है, कितना फ्लेम चाहिए। यहाँ पे करीब 1 से 1.5 इंच का अदरक ग्रेट करके मिक्स किया जा रहा है गुड़ के अंदर में, ताकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा और इन्हांस हो जाए। और सर्दियों का टाइम है तो ऑब्वियसली जिंजर तो बहुत ही अच्छा होता है। देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी तो ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, उसमें स्टिक होना बंद कर देगा ये गुड़ और पानी का मिश्रण। वाह, आप देख सकते हैं गुड़ के पकने का यही होता है सिग्नल, कि जब आप देखेंगे कि ये कढ़ाई में चिपक ना रहा हो और ये काफी थिक हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए, मतलब आपका गुड़ मिक्सचर तैयार हो चुका है लड्डू में डालने के लिए। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये ज़्यादा स्टिक कढ़ाई में नहीं होगा। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब फ्लेम को बंद करके इसमें सारे तिल जो है वो धीरे धीरे मिक्स करेंगे। गरम में ही आपको मिक्स करना है, क्योंकि अगर एक बार ठंडा हो गया तो गुड़ जो है वो जम जाएगा और फिर आपका लड्डू नहीं बन पाएगा, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होगी। कढ़ाई छोटी पर गई क्योंकि ये 1 kg तिल है, तो बड़े बर्तन में इसको मिक्स करेंगे स्लोली स्लोली। वाह, इसकी खुशबू ही कुछ अलग सी आ रही है, जो कि बहुत ही यमी बनने वाला है। जहाँ पे ये स्टिक हो रहा है आपको लगे ऐसा, तो थोड़ा सा नॉर्मल वाटर अपने हाथों पे लगा करके उसके बाद लड्डू बनाएं, या आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलके तिल के लड्डू बना लिए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी आप तक जल्दी पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।